असलम नाजरीन वेलकम टू वर्ल्ड कप हंगामा मैं हूं आपका मेज़बान आप मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक स्किपर सलीम साहब साथ ही साथ सबक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊ साहब पाकिस्तान की जानब से फातहाना आगाज़ किया गया है आज और नदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच जीता है यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा लेकिन शायद ये बात हमारे प्लेयर्स के भी जहनों में थी और इसलिए शायद काफ़ी ईज़ी ले लिया क्योंकि हमने जब देखा कि जब मैदान में उतरे दावत दी गई थी पहले बैटिंग के लिए तो हमारे जो ओपनर्स मैदान में उतरे हैं फ़खर ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा आ, जल्दी आउट हुए उसके बाद इमाम नहीं चल सके कप्तान बाबर आजम जितना ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन दिया गया वॉम वेलकम किया गया हर तरफ बाबर बाबर की आवाज़ें सुनने को मिली उनके इंडियन क्रिकेट फैंस उनकी बैटिंग देखने के लिए नदरलैंड के ख़िलाफ़ भी मैच में हमने देखा क्राउड मौजूद था लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये तमाम तर चीजें हैं इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले जाहिर है क्योंकि मैच जीते हैं तो हमें यहाँ पे अपनी जो बॉलिंग है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अगर आपने मैच जीतना है तो आपको बड़ा स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा लेकिन इतना बड़ा स्कोर तो हम नहीं कर सके हाँ रिजवान ने आके सऊद शकील ने आके सहारा जरूर दिया टीम को आप रन वहाँ पर जोड़े लेकिन हमारे ओपनर्स उस तरह से काम नहीं दिखा सके बड़ा एक टोटल जो है वो बोर्ड पे नहीं सजा सके आ, हमारी बॉलिंग की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने सात ओवर्स कराए सैंतीस रन दिए एक खिलाड़ी को वो आउट कर पाए कम बैक करने वाले हसन अली की अगर बात करें जिनको जिनकी जब बात की गई कि उनको टीम में शामिल इसलिए किया जा रहा है बार बार इस चीज पर जोर दिया गया कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है सिर्फ इस वजह से उनको टीम में शामिल किया गया है आज हम कमेंट्री में भी सुन रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीड को लेकर उसकी रफ्तार को लेकर कमेंट्री में भी तनकीद की जा रही थी हसन अली के ऊपर और ये तनकीद रमीज राजा की जानब से की जा रही थी जो कि शायद दूसरी तरफ से कहीं से होती तो अच्छा भी शायद लगता है या बुरा लगता बहर कोमेंट कॉमेंटेटर्स को इस तरह की तनकीद शायद नहीं करनी चाहिए थी आ, बाकी भी डिस्कशन जाहिर है हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है उनके साथ करनी है पाकिस्तान ने मैच अपना नाम कर लिया है नैदरलैंड के खिलाफ मैच लग तो ये रहा था कि शायद जिस तरह न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता था आज का मैच पाकिस्तान नदरलैंड के खिलाफ ऐसे जीतेगा लेकिन थर्टी एट स्कोर पर तीन विकटें गंवा चुका था पाकिस्तान आज आ, आ, देखें आ, उस टीम में न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड की टीम में बड़ा फ़र्क है नदरलैंड की टीम बहुत इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी जितनी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वो टीमें थी जो पिछली दफ़ा फ़ाइनल खेली हैं तो ये फ़र्क तो था ना उनकी बैटिंग में और इनकी बैटिंग में बहुत फ़र्क है एक्सपीरियंस गो के इन्होंने टूर्नामेंट पिछला जो क्वालिफाइंग राउंड में ये वेस्ट इंडीज़ को हरा के आए बाकी टीमों को हराया मगर उतना एक्सपीरियंस नहीं है इनका अभी भी, भी कह, ये कहीं ना कहीं ऐसी टीमें ये जो छोटी टीमें है होती हैं इनको मैं इसलिए छोटी टीमें कहता हूँ क्योंकि ये रेगुलर नहीं वो खेलती तो ये कहीं ना कहीं आके फंस जाती हैं अगर आप देखें हमारे हमारे आज मुझे हमारी टीम में और इनकी टीम में इसलिए थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आया कि हमारी तीन विकटें गिरने के बाद हमने बड़ा अच्छा ये comeback किया कि कम किया हमने पार्टनरशिप लगाई साउथ ने और रिजवान ने और जहाँ हमें ज़रूरत थी कि हम 300 प्लस कर सकते थे कि ये दो जब जब भी कोई आप देखें टीम बड़ा स्कोर करती है ना कल न्यूज़ीलैंड का देखें दो प्लेयरों ने मैच स्टार्ट किया तो एंड तक वही ले के गए अब ये दो प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो जब आप विकेट गिराते हैं तो फिर आने वाले प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है हमारी गुड लक थी कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी नदरलैंड से स्ट्रॉन्ग थी नवाज और शदाब ने आके नीचे से फिर भी थोड़ा सा अच्छा स्कोर तो कर दिया अगर कैच हो जाता साउथ का स्लिप में जो आते ही उसका कैच गिरा अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती है हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं मगर थैंक गॉड कि हमने हमारा उस सिचुएशन में नहीं आए मगर देखें अगर आज दोनों प्लेयर उनके सिंह और लीड्स अगर थोड़ी सी वो उसने भी क्या गलती की जैसे ही पचास किया उसने ऊंची हिट मार के आउट हो गया अगर वो मैच को ले कर चलता एक्सपीरियंस प्लेयर होता अगर वो मैच को ले कर चलता थोड़ा सा लंबा ले कर चले दस पंद्रह ओवर अगर वो सिंगल पे ही रहते तो पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अगले मैचों में अगर हम इस टीम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं है। तो हमें आगे बहुत मेंटली uh, और फिजिकली और हर हाँ चीज़ जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्गली सही बात है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और uh, uh, कल के मैच में उन्होंने यही बात की थी कि आप जब अपनी वर्ल्ड कप की पहली गेम खेलते हैं तो जाहिर है आपका मोराल हाई होता है हमने प्री मैच में भी यही बात की लेकिन अगर आप नैदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ इस तरीके से जीतेंगे तो पता नहीं कितना मॉराल हाई होगा या नहीं होगा लेकिन बॉलर्स की पहले बात कर लेते हैं हसन अली का कम बैक हुआ है आज उन्होंने दो विकटें भी लिए हैं और उनकी जो इकॉनमी थी वैसे तो शाहीन शाह से भी आज बेहतर रही है तो उनकी आज की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप आ, देखें मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे के बाद उनका पाकिस्तान टीम में कम बैक हुआ और एक बड़े इवेंट में हुआ और उसको मेरा ख्याल है कि शुक्र अदा करना चाहिए कि एक हॉलैंड जैसी जो निस्पतन बिल्कुल न्यू कमर और वीक टीम थी उसके खिलाफ उसको प्रैक्टिस का एक मौका मिला जो उसके लिए बेहतर आ मगर एक चीज़ की जो वाजह नजर आई है कि जो उनकी स्पीड थी वो बहुत हद तक गिर चुकी है यही हसन अली वन थर्टी सेवन थर्टी नाइन वन फोटी तक जाते थे मगर इस मैच में देखा गया कि वो वन थर्टी वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी एट और कंसिस्टेंट इसी लाइन पर बॉलिंग कर रहे थे अब बात यह है कि हसन अली ना तो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं और ना ही एज ए सीम बॉलर टेस्ट मैच या आ, सीमिंग पिचेस पर खेल रहे हैं वो एज ए फास्ट बॉलर पाकिस्तान की टीम इंडियन पिचेस पर इंडियन पिचेज़ आपको कभी भी इस पेस पर अगर आपके पास वेरिएशन नहीं होगी आपके पास अच्छी लाइन एंड लेंथ नहीं होगी आपको जो बड़े मैचेस हैं उनमें स्ट्रगल करना पड़ेगा तो ये एक लमे फिक्रिया पाकिस्तान का जो थिंक टैग है पाकिस्तान का मैनेजमेंट है पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है जो नेशनल अकेडमी में बैठा हुआ है कि कैसे एक आपका प्रीमियर बॉलर जो जिसने एक बहुत लंबा अरसा भी जिसका फर्स्ट क्लास कैरियर भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है वो इतने शॉर्ट अरसे में अपनी जो पेस है वो किस तरह उसने इतनी ज़्यादा लूज़ कर दी है और उसका करियर किस तरह डिक्लाइन का शिकार हो गया और उसके बाद जो बाकी तीन बॉलर्स हैं जिसमें आपका जो है नसीम शाह हैं वो इंजरी का शिकार हो गया उसके बाद इसान्ल जो बहुत अपकमिंग और जिनके जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे वो इंजरी का शिकार हो गए एक तीसरे बॉलर जो फास्टेस्ट बॉलर थे मोहम्मद हसनैन वो इंजरी का शिकार होकर सिस्टम से बाहर होकर बैठे हुए हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है मैनेजमेंट है उसको सोचना पड़ेगा बिल्कुल एक तो ये रेस्ट देने के हवाले से भी बात पहले भी हमने की कि प्लेयर्स को अब देखें ना पहले बार हमने बात की नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ भी हमने हम पूरे अपने स्क्वाड फुल स्क्वाड के साथ जाते हैं हमने ना शाहीन को रेस्ट देना है ना हारिस को राउ रउफ को अपने रेस्ट देना है फिर आपने अपना शाहीन शाह फ्री सारे अपनी पेसर्स के साथ आप अटैक करते हैं तो आपके स्क्वाड में जो दूसरे आपने बॉलर्स शामिल किए होते हैं या बैटर्स शामिल किए होते हैं ये मैच तो मेरा ख्याल है उनको शायद आप उनको शामिल करें उनको मौका दें देखें आप जितनी देर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप स्ट्रांग नहीं हो सकते जितनी जब आप लंबा लंबे ओवर्स करेंगे आजकल क्या हो रहा है कि हर बंदे की कोशिश होती है आप यंगस्टर को देख लें या किसी सीनियर को देख लें उसकी कोशिश है कि मैं लीगें खेलूँ चार ओवर के लिए मैं जाके ओवर्स ओवरस करूँ और चार ओवर या पाँच या छः ओवर के लिए या मेन बैट्समैनों के अलावा वो उनकी कोशिश होती है कि तीन या चार ओवर से ज़्यादा उनको मिल जाए तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर है बाबर के अलावा या रिजवान लंबा थोड़ा सा लेके चलते हैं कौन सा प्लेयर आपको ऐसा नज़र आता है जो पचास ओवर खेलता है कोई नहीं खेलता उसकी रीज़न ये है कि हमें आदत ही नहीं रही कि हम लंबे मैच खेल सकें हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी हो रही होती है अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे आ, आ, हमारा प्लेयर जो जिसका मैं अमाद वसीम वो जा के कमेंट्री कर रहा है जबकि फर्स्ट क्लास हो रही है जब आप पचास ओवर के मैच में जाएंगे फिर आपसे खेला नहीं जाएगा पचास ओवर स्ट्रगल आप आप स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपको आदत ही नहीं आपको चार ओवरों की आदत है चार ओवर करने हैं फील्डिंग चार बीस ओवर करनी है और बाहर आके बैठ जाना है जितनी देर आपके फास्ट बॉलर क्यों अनफिट हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं कि ये जब सीज़न ख़त्म होता है ये आके ये लोग फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलते जब आप चार दिन का मैच खेलेंगे पूरा दिन फील्डिंग में रहेंगे आप स्ट्रांग होंगे आप लंबे स्पेल करेंगे जब आप स्पेल ही नहीं करते जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो आके आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं उसमें फिर आपकी इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप पे प्रेशर वो, वो आपने इतनी मेहनत की नहीं होती बात ये है जब जॉब भी ये जो बात करते हैं हमेशा कि आपका डोमेस्टिक जो है वो आप स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल, जो और लोग और वो चीज़ें एकदम नज़र भी आ रही है इस पर डिस्कशन भी करेंगे सर और फ़खर ज़मान को ज़ाहिर अब तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है अब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही इवेंट ख़त्म हो उनको कहा जाए कि आए दोबारा से आप डोमेस्टिक खेले वहां पे रन बनाए फिर देखेंगे आपको टीम में शामिल जो आप बाकी प्लेयर्स के बारे हवाले आदी से आदी यही बात करते हैं सॉरी ये इनकी इनकी जान ही नहीं है इतनी कि ये उनको कह सकें चले चले सर ये ये इस पे भी डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान की जानब से फातहाना आगाज किया गया है और नदरलैंड को शिकस्त दी है पॉइंट सेवल की अगर बात की जाए तो नेट रन रेट के मुताबिक दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है और डिस्कशन हो रही थी आ, हमारी जो सिलेक्शन है उसके हवाले से और इस हवाले से भी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है आ, हमारे ऐसे प्लेयर्स जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और काफ़ी देर से परफॉर्म नहीं कर पा रहे दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं फ़खर का नाम सामने आता है फिर शादाब का नाम सामने आता है आज भी शादाब कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए आठ ओवर्स कराए सबसे ज़्यादा उनको स्कोर पड़ा है फोर्टी स्कोर पड़ा है एक ही सर विकेट ले सके हैं तो सर शादाब की भी अगर बात करें अगेन लीग्स खेलते हैं और डोमेस्टिक से तो दूर दूर तक ना फ़खर ना शादाब तो फिर क्या इनको दोबारा से डोमेस्टिक में डाल नहीं देना चाहिए देखें जो होता पता क्या है जब सिलेक्शन कमेटी ऐसे प्लेयरों को निकालती है ना तो आप मैं और हम सब सिलेक्शन के पीछे पड़ जाते हैं कि जी देखें फलां प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया गया ये हकीकत है स्पेशली मीडिया बहुत ज़्यादा उसको उछालता है ये रियलाइज़ करना चाहिए देखें कि अगर कोई बंदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता आके और उसको अगर ड्रॉप किया जाता है तो मेरा ख़्याल है हमें फिर अपने जो भी सिलेक्शन uh, कमेटी में होता है उसको बैक करना चाहिए क्योंकि अगर आप देखें ना आप फिर स्ट्रगल करते हैं जब आप ये परफॉर्मेंस आपकी नहीं होती फिर हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं पिछले कई मैं बता रहा हूँ पी से मैं देख रहा हूँ उससे पीछे भी चला जाए तो शदाब स्ट्रगल कर रहा है तो जब आप एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आप उसको वापस भेजें कि जाके भाई अपने आप को ठीक करो जो आपकी बॉल आगे नहीं गिर रही आप शदाब देखें आप शदाब स्ट्रगल कर रहा है उसकी लेग स्पिनर मैच चुके खुद भी लेग स्पिनर उसको उसको स्ट्रगल कर रही है करनी पड़ी है लेंथ पे फेंकने के लिए और उस, उससे बचने के लिए वो गुगली कर देता है ऑलमोस्ट जो आसान बॉलिंग होती है तो ये उसके साथ हो रहा है ये प्लेयर को खुद भी चाहिए देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर प्रोफेशनल प्लेयर हैं ना तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉसिबिलिटी आपकी है क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के हाँ। तो ये आपको ख़ुद भी देखना चाहिए कि यार मैं मेहनत नहीं कर रहा उस तरह वो पंजाबी कहते हैं ना जितने पैसे आने शुरू होते हैं ना फिर इसी खलीफे हो जाने हैं ये खलीफा जो है ना बंदा जाके बीस साल के बाद होता है उससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी हाँ। पड़ती है अब चूँकि क्रिकेट हो गई है बड़ी आसान हर बंदा लीग खेलता है उसके बाद उसको हम उठा के यूँ ले जाते हैं है। जैसे ही कोई अच्छी टीम आती है इंग्लैंड इंग्लैंड या 50 प्लस 50 50 या 45 प्लस बॉल करने वाला जब आपको खेलना पड़ता है तो आपको नजर आता है ओ हो ये तो भाग रहा है ये तो सामने ही नहीं आ रहा उसके लिए ये चीज़ें हमें इस अभी से इस पर काम करना होगा कि हमने जो जो टी ट्वेंटी

ये नहीं है कि इस बात का कोई एतराफ़ नहीं हुआ कहीं पर आपके कप्तान इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं आपसे जब गुफ्तु हुई जब आपका प्रेसर था वर्ल्ड कप में जाने से पहले यहाँ पर तो बाबर आजम से पूछा गया इस बारे में उन्होंने कहा कि जी हाँ जी हार एक का अच्छा और बुरा दिन आता है तो जब बुरा दिन आप कह रहे हैं अपने मुँह से कि आ गया है तो फिर दोस्तियाँ तो ना दें ना यहाँ पे फिर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं जब बुरा दिन है और आप मान रहे हैं अपने मुँह से तो आप कहें कि जी आप पहले बेहतर हो दोस्तियाँ साइड पर पहले बेहतर हो फिर आप टीम में वर्ल्ड कप खेलें देखें बेसिकली मेरा ख्याल है कि इसमें जो प्लेयर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि जो शॉर्ट फार्मेट है उनमें पैसा और जो शॉर्ट हर बंदा पैसे के लिए जाएगा चाहे हम भी हूँ हम भी जाएंगे पैसे के लिए शॉर्ट शॉर्ट फार्मेट के लिए मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है थिंक टैंक है चेयरमैन है ये उनका काम है कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं टीम किस तरह टेस्ट की टीम कैसे बनाते हैं टी की कैसे बनाते हैं और वनडे की कैसे बनाते हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं उनका विजन क्या है उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या फ्यूचर प्लान क्या है अब उनका बिल्कुल कोई प्लान नहीं है क्योंकि जो साहब आ... अभी इंडिया गए हुए हैं ना कितने के सर हैं जो कि इंडिया में जाके इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए बैठे हुए हैं इस... डोमेस्टिक में आप कितने मैचेस देखने यहाँ पे गए हैं जो आप इंडिया में वर्ल्ड कप देखने के देखे आपने अपने बात की बेस जो आप मैं एक सिलेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ चाहे मौजूदा सिलेक्टर हो पुराना हो कोई भी हो बात यह है कि जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे ये सिस्टम इसी तरह स्ट्रगल करता रहेगा आपका देखें कि जो आपका ये शादाब खान है कितने अर्से से आउट ऑफ फार्म आउट, आउट उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे सेलेक्ट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो थिंक टैंक है या जो टेक्निकल कमेटी है या जो सिलेक्शन कमेटी है ये उसको सेलेक्ट करती है आप देखें कि आपने दो से दो तक वो क्रिकेट खेल रहा है उसको छः साल हो गया आपने उसको टेस्ट मैच भी खिला दिया वो वो कंटिन्यू आपका जो ये लॉन्ग फार्मेट है पचास ओवर की क्रिकेट खेल रहा है मगर उसके फर्स्ट क्लास मैचेस पता है आपको कितने हैं उससे टोटल सत्रह फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं और साठ से ज़्यादा वनडे पाकिस्तान से खेल चुका है वो और जब आपकी देखें ना मैनेजमेंट है उसका जो जो विजन का लेवल ये है कि एक बंदा उसको आप कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप खिला रहे हैं पचास ओवर का इसका मतलब है कि वो जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा उसकी लॉन्ग फार्मेट की तैयारी नहीं होगी जब लॉन्ग फॉर्मर्डी खेलेगा तो उसकी इसी तरह शॉर्ट ऑफ लेंथ आज उसने पूरे मैच में देखे नेदरलैंड के खिलाफ सिर्फ दो बॉलें उसने जगह पे पिच की हैं बाकी सारी उसकी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी वजह क्या है? और, और शायद और शायद यही वजह है कि वार्म अप मैच में आपने उसको उसकी उससे बॉलिंग करवाई नहीं क्योंकि आपको पता था यही होना है लेकिन नैदरलैंड के खिलाफ क्योंकि मैच था सर अब अब इससे पहले कि हम बैटिंग की बात करें क्योंकि बैटिंग में बड़े आज फ्लॉस देखने को मिले हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया एशिया कप होता है एशिया का 50 ओवर्स का क्यों हुआ क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हो रहा है तो तैयारी का मौका मिलेगा तमाम तर टीमों को कंडीशंस भी तकरीबन वैसी मिलेंगी आपके ऊपर मजबूरी पड़ती है नसीम शाह इंजरी के बाद आप यहाँ से जमान खान को लेके जाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं आप लेकिन उसी जमान खान की जगह आप पर जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होती है एशिया कप में आप हसन अली को नहीं लेके जाते हैं अचानक से सरप्राइजिंगली एक नाम सामने आ जाता है कि हसन अली इज़ गोइंग इन द स्क्वाड वो वर्ल्ड कप तो भाई एशिया कप में तैयारी के लिए अब जमान खान को फिर आपने अचानक क्यों बुलाया देखिए जमान ख़ान का जहाँ तक ताल्लुक है ना मैं समझता हूँ कि वो अच्छा बॉलर है उसको अगर आपने तैयारी करवाई थी आप किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं ना तो आप एक साल पहले से शुरू करते हैं उसके लिए तैयारी के लिए ये नहीं होता कि आप दो महीना पहले शुरू हो जाएं या एक माह ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है आप दुनिया की कोई टीम भी ले लें कोई टीम वीक से वीक टीम भी ले लें वो एक साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है कि यार हमने बड़े इवेंट के लिए टीम तैयार करनी है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो हम बार बार, बार बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आपने 50 ओवर का मैच खेलना है जाके दोनों एशिया कप और ये जो हुआ है उसके लिए आपको पहले से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी ना मगर चूँकि वो बात वही है कि लीग खेलनी है हमने जाके तो उसकी उससे मैं तो उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको पैसे मिलने नहीं तो आप क्यों अपना टाइम ज़ाया करेंगे आप आप कहेंगे यार ये जो तीन माह मैंने इधर ज़ाया करने हैं मैं जाके तीन माह में दो लीगे ना खेला हूँ ये इस चीज़ पे हमारे क्रिकेट बोर्ड को सख्त इकदाम करने पड़ेंगे उस पर आपको स्ट्रिक्टली मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा था जी जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे और ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे मगर वो फिर सेलेक्ट करते हैं उसको फिर सिलेक्ट भी करते हैं अच्छा ये वाली डिस्कशन तब भी हुई थी जब उनसे सवाल किया गया था आमिर की वापसी के हवाले से सवाल किया गया था उन्होंने यही बात की थी मैं जी ठीक है आपने आना आप पहले डोमेस्टिक खेलें एक और चीज सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हैं एक और ऐड कर दूँ अभी आपने कहा था कि सिलेक्शन जो है वो दोस्ती पर क्यों होती है देखिए हर दौर में ये हुआ है हर दौर में हुआ है मैं आज की बात नहीं कर रहा मैं स्कीपर के साथ इमरान खान के साथ बीस साल खेला हूँ तो उस वक्त भी एक जाकर खान हुआ करते थे जो सिर्फ टूर करते थे खेलते नहीं थे उन्होंने तीस के, के करीब पाकिस्तान के टूर खेले थे और चार टेस्ट मैच खेले थे चार टेस्ट मैच जब खेले थे तो बाहर हो गए थे तो ये हर हर दौर में, है, हर दौर में होता है।, है सर हमने क्योंकि बैटर्स के हवाले से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से डिस्कशन करनी है हम खुशकिस्मत थे कि हमारा पहला मैच नीदरलैंड की टीम के खिलाफ हुआ नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हुआ और अगर आपकी बैटिंग लाइन नीदरलैंड के खिलाफ इस तरह से स्ट्रगल कर रही है तो आगे बड़े मैचे में क्या करेगी पाकिस्तान जिसको पहले तो बाबर ने हमारी बॉलिंग को कहा था स्ट्रेंथ मगर बाद में गुज्तर रोज़ उनकी पीसीबी के मीडिया से बात हुई एक वीडियो सामने आई उसमें उन्होंने हमारी बैटिंग लाइन को स्ट्रेंथ करार दिया मगर हमने देखा कि हमारी बैटिंग लाइन नदरलैंड के खिलाफ काफ़ी लड़खड़ा गई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और तीन के करीब बहुत मुश्किल जाके हमारा स्कोर पहुँचा सलीम साहब क्या वजह आपको लगी कि आज के मैच में एक तो यकीनी तौर पर ऐसे लगा कि नदरलैंड तैयारी के साथ आई हुई थी उनको पता था कि कौन से बल्लेबाज को कहाँ पर पकड़ना है और कॉम्बिनेशन का जो शुरू का था स्पिन से उन्होंने आगाज़ किया फिर वो फास्ट बॉलर की तरफ गए पेसर की तरफ गए कैसे देख रहे हैं आप देखें जो छोटी अंडर डॉग होती है ना टीमें वो उनको नथिंग टू लूज़ होता है ना उनका तो अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी टीम हाँ। को हराने का है मगर हमारी टीम भी ऐसा नहीं है कि हमने उनको बहुत इजी लिया होगा मे भी कि ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होकर हम खेले हैं और देखें क्रिकेट में बाबर आपका मेन प्लेयर है और वो हर दिन आपका अच्छा नहीं होता और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है कि वो एक हल्की टीम के खिलाफ आउट हो गया है अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो हमेशा अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा स्कोर करता है तो ये मैं समझता हूँ कि वो अगर जब भी उसने आगे अच्छे मैचेस आने हैं हल्की टीम के ख़िलाफ़ आपने मैच जीत लिया इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था तो गो के एटी से जीते मगर हमें थ्री प्लस करना चाहिए था क्योंकि आप जब बड़ी टीम के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो आपको इस टूर्नामेंट में 300 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा अदरवाइज़ हम स्ट्रगल करेंगे जब अच्छी टीमें आएंगी क्योंकि ये अगर हल्की टीम के ख़िलाफ़ अगर जो जिसको आप इतना अच्छा नहीं रेट कर रहे इस टूर्नामेंट में उसके खिलाफ अगर आप 280 बड़ी मुश्किल से हमने किया अगर कैचेस हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मतलब ये एक ऐसी टीम है जिसका जाहिर है बाकियों से भी मुकाबला होना है और उनकी कोशिश होगी कि बड़े मार्जिन से ही इनको हराया जाए क्योंकि जब बात जाती है नेट रन रेट के ऊपर तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का फायदा होता है तो इसलिए ऐसी टीम के खिलाफ आपकी कोशिश होती है बड़े मार्जिन से जीते हैं नेट रन अली बहुत दूर है अभी <laughs> <laughs> वो जाके आपको चार पांच मैचों के बाद समझ आएगी इसलिए पहली जो सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप चार पांच मैच बिल्कुल अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर रन की तो आ, बारी बहुत बाद में जाके आनी है ना तो ये इसलिये... बात की बात हो जाएगी <laughs> लेकिन फिर भी इधर ये वाली चीज़ें जो है साथ साथ चलती है इनको भी देखना पड़ता है अगर आप आगे की प्लानिंग वाकई कर रहे हैं बेस फील्ड काफ़ी हमें देखने को मिला इफ्तार ने स्लिप पर जो कैच छोड़ा और फिर बाद में जो उनकी मुस्कुराहट थी ये कंसिस्टेंसी के साथ ही हम देख रहे हैं मिस फील्ड हो रहा है पाकिस्तान क्यों उस तरह से स्ट्रगल कर रहा है फील्डिंग में देखिए फील्डिंग तो पाकिस्तान की बहुत अरसे क्वेश्चन मार्क है और अभी भी इस वर्ल्ड कप में एक बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड कैच था जो इफ्तार ने मिस किया तो मेरा ख्याल है कि ये भी रिलेटेड है फिटनेस के साथ जब तक आपकी फ़िटनेस नहीं होगी आपकी फील्डिंग स्ट्रगल करती रहेगी और डिफरेंट इन्होंने जो फील्डिंग कोचेज हैं वो भी चेंज किए मगर उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं डाल सके जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है जो पीछे आपने एशिया कप देखा होगा उसमें बहुत बड़े ब्लेंडर्स हुए पाकिस्तान की फील्डिंग में और उसके बाद कैचेस बहुत ड्राप हुए जिस जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा और वही अभी जो एक जिस जो आपके मैचेज़ हुए हैं जो वार्म मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के उसमें भी पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो स्ट्रगल करती रही है और ज़्यादातर जो एक तो फील्डिंग में स्ट्रगल करते रहे और दूसरा फील्डिंग में ऑफ कलर नज़र आते रहे जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर लग रहा था कि जिस तरह फटीक है उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन है ऑफ कलर लग रहे हैं जिसपे आपने देखा कि कमेंटेटर भी काफ़ी बातें कर रहे थे इसकी यही वजह है जो सलीम भाई ने पहले बताया अच्छा तर... इस चीज़ को आप आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं ये समझ में आती है कि आप एज ए क्रिटिक इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं लेकिन कप्तान साहब यही बात करते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उस तरह से फॉर्म नहीं प्लेस की नज़र आ रही वो वर्ल्ड कप में बैठे हुए ये बात करते हैं प्रेस जो टॉक हुई वहाँ पर तो वो ये कहते हैं जी कि देखें हम बड़ी देर से मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिल रहा तो फिर बात आ जाती है कि आपकी जो बेंच की स्ट्रेंथ है आपने उनको फिर यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया आज के मैच में भी यही बात हुई कि आपने फिर शादाब को इंक्लूड किया उसामा मीर को आपने फिर मौका नहीं दिया अगर आप आज खिला लेते तो शायद एक आपको अच्छा एक एडिशन मिल जाता अली असल में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना तो आपकी कोशिश होती है एज ए कैप्टन कि आपकी बेस्ट टीम खेले जिसको आपने आगे खिलाना है ठीक है ये ये जो जो चीज़ें आप बात जिस चीज़ की कर रहे हैं ना ये थी प्रैक्टिस मैचेस में ठीक है वहाँ आप हर प्लेयर को ट्राई कर सकते थे जब आप टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना एक वो नदरलैंड के खिलाफ था या उससे किसी के खिलाफ भी हो जो टीम हल्की इस टूर्नामेंट में होगी वहाँ आप फिर चांस नहीं लेते वहाँ या तो टूर्नामेंट के आप क्वालिफाई गए हो और आपकी टीम थ्रू कर गई है सेमीफाइनल में और आपके पास मैच है तो आप किसी नए प्लेयर को चांस देते हैं जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना तो आपकी कोशिश होती है कि आपकी मेन टीम खेले जो जिसको भी आप एज ए कैप्टन समझते हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है अब वो स्ट्रेंथ उसको पता होनी चाहिए अगर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो आपको पता है कि अच्छे मैचों में ये मैं फंस सकता हूँ कोई भी है जैसे शदाब की हम बात कर रहे हैं बार बार कि शदाब का आपको नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है उसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म भी किया हुआ है मगर जब आप एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आपको कोशिश हल्के मैच में जो आप बार बार कह रहे हैं नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए था ये एक मौका था कि आप मेंटली हो या आप एशियन गेम्स या एशिया कप जो था उसमें आप कर लेते कि आप उसमें उसमा मीर को खिला के वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकते थे अब एशिया एशियन गेम्स के क्योंकि मेरे जेन, जेन में आया आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान मैच हारा है और हमने 18 ओवर्स में 115 सौ रन बनाकर हम ऑल आउट हो गए और अब इंडिया से अफगानिस्तान की जो टीम है वो एशियन गेम्स फानल। का फाइनल खेलेगी और अब इंजमाम हक़ को भी क्योंकि जूनियर टीम का भी सिलेक्टर बना दिया गया है तो क्या बेहतरी की उम्मीद अब की जा सकती है देखिए बेहतरी की उम्मीद उसी टाइम पे की जा सकती है जब आपका कोई विजन होगा आपकी कोई पॉलिसी होगी जो जिस तरीके जिस तरीके से इनकी विजन लेस पॉलिसीज चल रही हैं उससे बेहतरी की उम्मीद इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उनमें कोई विजन ही नहीं है कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है अब कल भी मैं यही बात कर रहा था कि जो एशियन गेम्स में जो आपने टीम भेजी है उसने आपने क्या रिजल्ट ले लिया आपने जो तीन साल पहले डिस्कार्डेड हुए थे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम से खुशदिल शाह था असफ अली था उस्मान कादर है वो क्या उसका नाम हैदर है हैदर अली है इमर्जिंग इमर्जिंग का मतलब है कि भाई जो यंगस्टर हैं अंडर 19 बच्चे हैं उनको भेजें अगर वो वहाँ पे हार भी जाएं तो एक एक्सपोजर मिल जाएगा आपकी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो जाएगी आपकी आगे काम आएगी आपने डिस्कार्डेड मुझे बताएं कि क्या खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम में आएगा आप क्या असफ अली को आप टीम में लेंगे वर्ल्ड कप के बाद क्या उस्मान कादर को लेंगे टीम में क्या हैदर अली को आप टीम में लेंगे क्या रॉयल नज़ीर को आप टीम में लेंगे जब आप टीम में नहीं ले सकते इनको तो फिर एशियन गेम्स या मर्जिंग टूर्नामेंट में इनको भेजने का क्या फ़ायदा आप अंडर नाइनटीन बच्चे भेजें जिनका कल फ्यूचर है जो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे जो आपका बैकअप बनेंगे जो आपकी जो रोटेशन पॉलिसी है उसमें आएंगे इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई सिफारिश की बजाय मेरिट पर ये सिलेक्शन कमेटियाँ बनाएं अभी जो आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है ये देखें कौन सा मेरिट है मुझे बताएं ये जो पाँच छः बंदे पाकिस्तान की सीनियर सिलेक्शन कमेटी में या जूनियर में डाले हैं यह बीस साल से तो धक्के खा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर कभी उस कमेटी में कभी उस कमेटी में कभी उधर कोचिंग कर दी कभी उस मैनेजर में आ गए मैनेजमेंट की सतह तो पर देखा जाए काफ़ी चीज़ों का फगदान है अब एक जो खबर है वो यही है कि हक को अब जूनियर टीम का भी सिलेक्टर जो है किया गया है पाकिस्तान ने आज काफ़ी स्ट्रगल किया लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अगले मैचेज हों उनमें बेहतरी आए अगैन हमें बार बार बताया जाता है कि हमारी टीम को रेस्ट नहीं मिला रेस्ट नहीं मिला हम चलें फिर दुआई कर सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो अगले मैचेस में आज के मैच से बेहतर परफॉर्म करें इन आप, कल आपसे मुलाकात होगी इजाज़ दीजिए अल्लाह हाफिज़